షా న్యూస్ లో స్వాగతం. వినాయక నవరాత్రి ఉత్సవాల సందర్భంగా భైంసా పోలీస్ వారి ఆధ్వర్యంలో శాంతి కమిటీ సమావేశం. షా న్యూస్ రిపోర్టర్ రెహమాన్ వివరాల ప్రకారం భైంసా పట్టణంలో వినాయక చవితి సందర్భంగా ఏఎస్పీ కిరణ్ ఖారే గారి ఆధ్వర్యంలో శాంతి కమిటీ సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సమావేశంలో వినాయక ఉత్సవ కమిటీ సభ్యులు, మండపాల నిర్వాహకులు పాల్గొన్నారు. వినాయక చవితి సందర్భంగా ఎలాంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరగకుండా అప్రమత్తంగా ఉండాలని వినాయక ఉత్సవ కమిటీ సభ్యులకు, మండపాల నిర్వాహకులకు తెలియజేశారు. డీజేలకు అనుమతి లేదని సూచించారు. ఈ కార్యక్రమంలో బబ్లు మహారాజ్ ఉత్సవ కమిటీ అధ్యక్షుడు విలాస్ గాదేవార్, ఏఎంసీ చైర్మన్ కృష్ణ, కమిటీ సభ్యులు భైంసా ఏఎస్పీ కిరణ్ ఖారే, సిఐ ప్రవీణ్ కుమార్, एसआईलू गंगाधर प्रदीप लू पाल गुन्नारू. ऐसा कि नहीं, इन्होंने पहले जाना, उन्होंने पहले जैसे नहीं है, जो भी पहले आएगा उसको हम भिजा दे रहे. और ये पंजेशा के बाद में जो फोर्स यहाँ पे जो ताकत लगा के इन लोगों को बाहर हटाने की वजह से अपन 101% मॉर्निंग फुरुकला के अंदर अपना निमज्जन 100% हो जाता साहब. और जो ठीक है, आप डीजे नक्को बन के बोल रहे हैं, हम अभी नहीं, 4-5 साल से डीजे का जो है ना वो काम खत्म कर दिए. डे बाई डे कम होते जा रहा. क्यों बोल के बोले तो डीजे का भी कैसा मसला आ रहा साहब, जो बैंड लगाना बोल के बोल तो लोग नहीं मिल रहे. नहीं मिलने की वजह से हमारे तो संस्कृति है, बाजा बजंत्री होना जरूरी है. हम मरे तो भी बैंड लगाते हैं, जिए तो भी बैंड लगाते हैं, पैदा हुए तो भी बैंड लगाते हैं, शादी करते तो भी बैंड लगाते हैं, हर त्यौहार को बैंड लगाते हैं. वो बैंड के लोग डे बाई डे उन लोग का कम होने की वजह से ये जो सिस्टम आया, वो सिस्टम में डीजे नहीं, वो डीजे तो पहले भी नहीं लगा रहे थे. वो जो 4 बार्स के हिसाब से लास्ट टाइम एसपी साहब थे, हर बार लोग जो है, जो हर साल आप लोग जैसा हमारे को परमिशन के साथ में जो कर रहे वो हिसाब से करो. हम ज्यादा तुम्हारे लोगों से कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे. और आप लोग यहाँ पर जो ड्यूटी 100% आप आने के बाद में भैंसा में सुधार आया और आएगा, क्यों बोले पुलिस फोर्स आने के बाद में जो भी इंसिडेंट हो रहा विद इन मिनट्स के अंदर जो आ रहे, आप भी रात में 12-1 बजे तक जो घूम रहे, जो काम कर रहे, आप जो फिजिकल जो भी ग्राउंड लेवल वर्क जो करके जो भैंसे का शान के वास्ते, क्यों बोलते भैंसे की हालत कैसा हो गया साहब. लोग आना बल्कि बोल दो, अरे चेक पोस्ट रहता, उन लोग जाते फाइन मारते, उन लोग उतना भी अकल नहीं रहता कि इतने दिन से कोई टाइट नहीं करे. इंश्योरेंस पेपर उनको जरूरत है, ड्राइविंग लाइसेंस उनको जरूरत है, हर चीज उनको जो जरूरत है गवर्नमेंट बोला वही चीज आप लोग टाइट कर रहे. पर कुछ लोग यहाँ पर आने के वास्ते वहां पे पुलिस वाले टाइट करके फाइन डाल रहे, 1000 रुपए का फाइन डालने की वजह से भी भैंसे का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है साहब. और ये जो नुकसान है, और 8 बजे जो बंद करो बल्कि बोले तो हमारे लोग आपको किसी को भी ऑब्जेक्शन नहीं रहता. वैसे 8 बजे बोले 8 बजे बंद करें, 7 बजे बोले 7 बजे बंद करें, वो गाय के जैसा सर हिलाने का, दो भी कम्युनिटी में है वो चीज, या मुस्लिम कम्युनिटी वाले साहब हम 9 बजे तक बोलिए आपको डिमांड नहीं करें, हिंदू कम्युनिटी वाले नहीं करें, मेहरबानी करके अभी भैंसा बहुत पीसफुल हो गया है. वो जो टाइम की जो पाबंदी है उसको खत्म कर देना बोल के उच्च समिति की तरफ से भी आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं. और साहब जो हमारे हाथ में आने के बाद में हमारे हाथ में से पहले दिगंबर राव माशे तिवार काका, ये लोग बड़े लोगों के हाथ में रहते, बच्चे थे उनके साथ में, वो जैसा बोले वैसा सुनते गए. उसके बाद में उच्च समिति को निकाल के हमारे हाथ में लगाए. लगाने के बाद में अभी ये मेरे ख्याल से 3rd टाइम है, 2 साल मेरा पहले हो गया था, उसके बाद में साईनाथ, उसके बाद में श्री शंकर साहब, ये बार जो है सो फिर वापस जो मेरे हाथ में सौंपा गया. कुछ कम्युनिटी की वजह से, ये प्रॉब्लम की वजह से, और आप लोगों का जो रोज पेपर स्टेटमेंट देखने के बाद, इतना पेपर स्टेटमेंट तो साहब हम लोग अभी तक भी नहीं देखे, वो पेपर स्टेटमेंट देखने के बाद में भी लोगों में ऐसा डर लग रहा है कि अरे भाई साहब अच्छी बच्चा, तो ये जो बुढ़े लोग बोलते हैं, अरे वो बच्चा है आके ऐसा कर दे रहा कि बोलते. कमेटी के सभी मेंबर्स और यहाँ पे प्रेस वाले सभी लोग आए हुए लोग, सभी लोगों को मेरा नमस्कार. सबसे पहले मैं सभी भैंसा के लोगों को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ. मैं आया था लास्ट के 9 मार्च को, अभी कंप्लीट 6 महीने हो गए आज के दिन. और पिछले 6 महीने में जो भैंसा में, मतलब इस सोच से आए थे हम कि ऐसा होगा वैसा होगा, हर महीने कुछ ना कुछ चलेगा, लेकिन लास्ट 6 महीने में कभी जरूरत नहीं पड़ा कि कोई ऐसी इमरजेंसी है जहाँ पे जाने की जरूरत पड़े, ऐसा कोई एक सिंगल इंसिडेंस नहीं हुआ. कभी किसी भी लीडर्स को बुलाया उन्होंने कोऑपरेट नहीं किया, ऐसा कभी आज तक हुआ नहीं. तो सभी लोगों को मैं दिल से पूरे भैंसा पुलिस की तरफ से एक आपको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ. इस दिन मैंने चार्ज लिया था, उसी दिन से एक ही मेरा एक डिसीजन था कि भैंसा में हमेशा किसी ना किसी तरह के एलिगेशन होता है पुलिस का. उस दिन से हमने डिसाइड किया था कि भैंसा पुलिस जो भी एक्शन लेगी वो किसी भी कम्युनिटी पे हो वो प्रॉपरली एक इम्पार्शियल एक्शन होना चाहिए, एक अनबायस एक्शन होना चाहिए, एक ट्रांसपेरेंट एक्शन होना चाहिए. मैं आपको भरोसे के साथ कह सकता हूँ कि लास्ट के छः महीने में नॉट अ सिंगल इंसिडेंस ऐसा है कि जिसमें हमें किसी कम्युनिटी को फेवर करते हुए, किसी को बायस करते हुए, किसी पॉलिटिकल लीडर को बायस करते हुए एक्शन लिया. एक और कोई भी जो लोग आते हैं वही यही कहते हैं कि जो 6 महीने में भैंसा में जो बदलाव हुआ है वो काफ़ी अच्छा बदलाव है. अभी
उस टॉपिक का, जैसे विलास गाड़ेवर साहब ने बोला कि गाड़ियाँ पकड़ने वैसा करें ऐसा करें, कैसा है कि आप गणेश की कोहनी का टेम्पल में मूर्ति भी बनाते हैं, एक पत्थर से बनती है, उस पत्थर को पहले वो छिल्ली से ठोका जाता है, उसको लेकर पेन होता है, उसके बाद में उससे एक मूर्ति बनती है। वैसे भैंसा की जो हिस्ट्री है, जो भैंसा का माहौल है, उसको एक अच्छा बदलना होगा। మరో ప్రధాన వార్త, గణేష్ మండపాల వద్ద అప్రమత్తంగా ఉండాలని ఎస్ఐ బాలకృష్ణ. లోకేశ్వర మండల షాన్యూస్ రిపోర్టర్ షబీర్ వివరాల ప్రకారం గణేష్ నవరాత్రి ఉత్సవాలలో భాగంగా గణేష్ మండపాల వద్ద ఎలాంటి ప్రమాదాలు జరగకుండా ఎప్పటికప్పుడు అప్రమత్తంగా ఉండాలని మండపాల నిర్వాహకులకు తెలియజేశారు. లోకేశ్వర మండలంలోని బామ్నీకే ధర్మోరా గ్రామాలలో గురువారం రోజున గ్రామాల సర్పంచులు వీడీసీ సభ్యుల ఆధ్వర్యంలో రానున్న గణేష్ నవరాత్రి ఉత్సవాలలో దృష్టిలో ఉంచుకొని సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేసి మండపాల వద్ద విద్యుత్ అలంకరణ దీపాలను వెలిగించేటప్పుడు తదితర సమయాలలో ప్రమాదాలు జరగకుండా చూసుకోవాలని, డీజేలకు అనుమతి లేదని తదితర సూచనలు తెలియజేశారు.